हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू में। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, बकरी की कलेजी की रेसिपी, जो बनाने में तो बिल्कुल आसान है और खाने में जो बात है ना उसका तो नॉन वेजिटेरियन वाले ही बता सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बकरे की कलेजी की रेसिपी बनाना। इसे मैं डायरेक्ट बनाते हुए आपको दिखाऊंगी। इसकी जो जो भी इसमें जो भी हम मसाले यूज करेंगे उसको मैं आपको बताते जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो बकरे का कलेजी, जिसे हमने अच्छे से धुला और इसको हमने उबाल लिया है। कम से कम 6 मिनट तक गर्म पानी में नमक और नींबू डालकर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसको गैस पे चढ़ा देंगे और गैस फ्लेम को ऑन करेंगे। तो कढ़ाई को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें हम तेल यूज करेंगे। तेल आप इसका सरसों का इस्तेमाल करिएगा। सरसों के तेल में जो रेसिपी बनाते हैं ना बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो हम इसमें तेल सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई फ्लेम पर कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे तेल 10 चम्मच के करीब हमने तेल लिया है। तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो रहा, हमने यहाँ तड़के में लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और दो छोटी इलायची, आधा चम्मच के करीब हमने लिया है जीरा, दो तेज पत्ता। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जीरा। हमारा तड़का थोड़ा सा चटक गया है। अब इसमें हम डालेंगे दो प्याज, बड़ी साइज हमने जो काट कर रखा है, छिला लेते हैं और हाई फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, जिसे हमने पीस कर रखा है, 4 हरी मिर्च जिसे बारीक काट लिया था और इसे भी अच्छे से चला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे भी पका लेंगे, क्योंकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन की खुशबू आती है ना वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसे दो दो मिनट तो कम से कम भूनना ही चाहिए। अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से भुजा गया है। अब इसमें हम डालेंगे बकरे की कलेजी और इसे अच्छे से चला लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, ढक देते हैं और 5 मिनट तक पकने देते हैं और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। 5 से 6 मिनट हो गया है, हमने कलेजी को अच्छे से भूज लिया है। देखिए हल्का हल्का सा लाल भी हो गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच के करीब। इसमें हम आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब डालेंगे ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ज्यादा मसाले हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें चिकन मसाला पाउडर। हम मीट मसाला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम चिकन मसाला का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाला से जो हमारे कलेजी का स्वाद आएगा वो बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सबको, मसालों को हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर और टमाटर के बाद हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से हम चला लेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। टमाटर के गलतने से ही हमारा कलेजी भी पक जाएगा। ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम टमाटर के गलने तक पकने देंगे। टमाटर हमारा गल चुका है, मगर अभी हम इसे और धीमी आंच पे ही 10 मिनट तक और पकने देंगे, ताकि हमारी कलेजी और अच्छे से पक जाए। ढक देते हैं और पकने देते हैं इसे। 10 मिनट हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। चला लेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम लोग 5 मिनट के लिए और पकाएंगे।
ढक देते हैं ताकि हमारी कलेजी और अच्छे से पक जाए। और इसको हम उसके बाद इसको पानी हम सुखा लेंगे। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप मत सुखाइए पानी, पर हम इसे सूखा पसंद करते हैं इसलिए इसको हम इसका पानी सुखा लेंगे। 5 मिनट हो गया है, हमने इसको चेक करते हैं हम कि हमारा कलेजी पका कि नहीं। देखिए कट जा रहा है, ये देखिए तो हमारी कलेजी पक गई है। अब इसमें जो पानी है उसको हम गैस का फ्लेम मीडियम करके इसको सूखा कर लेंगे। तो कलेजी का पानी हमारा सूख चुका है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया की पत्ती, हरे धनिया की पत्ती, और इसे मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई है प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसमें डालेंगे हम एक नींबू का रस। टेस्टी मसालेदार बकरे की कलेजी ड्राई खाने के लिए तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और हमें बताइए कमेंट में कि आपने इसे कैसे बनाया है। इस तरीके से एक बार जरूर बनाइए, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हम आपके लिए यही रेसिपी लाए थे। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।